नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। मैं हूँ आपके साथ रिशा हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को याद दिलाया समझौता, आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने का उठाई मांग, शाह से मुलाकात करेंगे उद्धव। चुनाव परिणाम पर बोले सीएम, कहा मंत्रियों की हार की करेंगे समीक्षा, बागियों को बताया मंत्रियों की हार का जिम्मेदार। राजस्थान की खीवसर सीट पर जीते नारायण बेनीवाल, मंडावा से रीटा चौधरी ने मारी बाजी, बीजेपी ने स्वीकार की मंडावा से हार। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि सतीश पूनिया का जन्मदिन पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर जयपुर के होटल हवेली में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर सतीश पूनिया मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, साथ ही बीजेपी में तमाम बड़े नेता जिनमें राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया और साथ ही हेलमेट भी वितरित किए गए। इसी के साथ ही विकलांगों को 20 व्हील चेयर भी वितरित की गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज के चुनाव परिणाम उत्साहजनक है, जहां एक और महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन ने स्वीप किया है, क्लीन स्वीप किया है। वहीं हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम उभर रहे हैं, जीत के करीब पहुंच रहे हैं। राजस्थान में मिश्रित परिणाम आया है, एक हमारे गठबंधन से एक सीट पर हम बढ़त बनाए हुए हैं। मंडावा सीट में निश्चित तौर पर हम पीछे हैं, एक विशेष समाज के मतों का ध्रुवीकरण, सरकारी मशीन का जमकर दुरुपयोग। और राजस्थान के अंदर मंडावा विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां राजस्थान में सर्वाधिक राज्य कर्मचारी है, 5400 के लगभग शिक्षा विभाग में कर्मचारी है। जिस प्रकार का दबाव सरकार ने बनाया और मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है। और वैसे भी परंपरागत रूप से आज़ादी के बाद हम एक ही बार मंडावा से जीते हैं। देखिए, दो सीटों पे उपचुनाव थे, एक हमने आरएलपी को दी थी और क्योंकि आरएलपी प्रथम दृष्टया बढ़त लिए हुए थी, उनका अपना एक आधार था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ा परिश्रम किया कांग्रेस को हराने के लिए। और क्योंकि कांग्रेस की प्रतिष्ठा की सीट नागौर ही थी बेसिकली, मंडावा 1952 से लेकर 18 तक हम लोग पहली बार 18 में 2300 वोटों के अंतर से जीते थे। वहाँ के सियासी समीकरण कभी हमारे हक में नहीं रहे। रामनारायण चौधरी जी उस क्षेत्र के बड़े कद्दावर किसान नेता रहे, जो लगातार 7-8 वर्ष बार बार जीते, और उनकी पुत्री जो कि बहुत पहले से वहाँ लगा, पिछले चुनाव में, इससे पिछले के चुनाव में लगभग 400 मतों से हारी थी, तो स्वाभाविक रूप से एक सहानुभूति थी। लेकिन ये मैंडेट न तो सरकार के पक्ष में, न अशोक गहलोत जी के पक्ष में है, ये केवल वहाँ के स्थानीय जो समीकरण थे उन मुद्दों और समीकरणों के आधार पर इस चुनाव का फैसला हुआ था। मुझे लगता है कि एक गलतफहमी जरूर सरकार को हो जाएगी कि ये मैंडेट जो है ये जनादेश सरकार को है, लेकिन ये सरकार को कतई नहीं है। अभी भी मुद्दे वही के वही हैं, किसानों के, बेरोजगारों के, कानून व्यवस्था के। तो मुझे लगता है कि दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इस हार से कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर मदांध नहीं हो जाए और जो फैसले जनता के हक में होने चाहिए थे उसमें एक अवरोध जरूर पैदा होगा। लेकिन हमने निश्चित रूप से इस चुनाव के बाकी चीज़ों का भी आकलन करेंगे। एक तरीके की मरुस्थलीय सीटें थी जहां कमल कभी खिला नहीं था, पहली बार खिला, और हम पुरजोर कोशिश करेंगे भविष्य में इस तरीके की टिपिकल सीटों पर भी अच्छी रणनीति बनाएं। राजस्थान सरकार में प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के बाद एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले सवर्णों को एक बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े यानी EWS के 10% आरक्षण के लिए अब परिवार के लिए कुल आय ही पैमाने का आधार मानी जाएगी। परिवार की कुल आय ही अब सवर्णों में आरक्षण को निर्धारित करेगी। इसी के चलते सवर्ण समाज के लोग सीएम गहलोत को उनके आवास पर धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे।
वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व सीएम के 96वीं जयंती का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राज्य के उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत की 96वीं जयंती पर विद्याधर नगर स्थित समाधि स्थल पर सर्वधाम प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। प्रार्थना सभा के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित लोग अन्य मौजूद रहे। साथ ही समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर 1923 को हुआ था और मृत्यु 15 मई 2010 को हुई थी। शेखावत देश के 11वें उपराष्ट्रपति थे। वहीं सीएम अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने सहकारी संस्थाओं और मंडियों में चुनाव पर बड़ा बयान दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि सभी सहकारी संस्थाओं और मंडियों के चुनाव समय पर कराए जाएं। इन्होंने कहा कि इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में भावना और मजबूत होगी। उन्होंने निर्देश के साथ ही यदि नियमों का या बदलाव में संशोधन की आवश्यकता हो तो किया जाए। वहीं यूपी के हाथरस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी अपने नाम दर्ज की है। वहीं यहां पुलिस ने शराब माफियाओं पर छापेमारी कर कार्रवाई की और करीब 36 पेटी नकली शराब और नकली शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। साथ ही एक अपराधी को भी धर दबोचा। साथ ही मौके पर एक बाइक भी बरामद की गई। ये थाना हाथरस जंक्शन अंतर्गत एटा बॉर्डर पे जलेसर रोड पर एक आंवले का बाग है। उस बाग में ये दो लोग अवैध शराब बना रहे थे। इसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। मौके से 36 पेटी देसी शराब जो कि अपमिश्रित है वो बरामद हुई है। इसमें एक सूचीबद्ध शराब माफिया है जिसका नाम भरत उर्फ भरता है, वो भागने में सफल रहा है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। मौके से कई अवैध शराब के पौवे जो कि 36 पेटी होता है, लगभग 324 लीटर, और इसके साथ साथ कुछ ढक्कन, नकली होलोग्राम और चिट्स बरामद हुई हैं। वहीं बिजनौर कलेक्ट्रेट में किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बिजनौर कलेक्ट्रेट के सामने भारतीय किसान यूनियन ने यह धरना प्रदर्शन किया। दरअसल यहां किसान यूनियन ने गुप्त व्यापार समझौते को लेकर किसानों ने धरना दिया। आपको बता दें 4 तारीख से 0% आयात शुल्क होने जा रहे हैं, जिससे विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही गुप्त व्यापार समझौते की जानकारी जनता से साझा करने की भी अपील की। यूपी के बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पे खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। आपको बता दें कि पूरा मामला यूपी का है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्जन से अधिक गाड़ियों के अराजक तत्वों ने शीशे तोड़ दिए, वहीं जिससे गाड़ियों मालिकों में हड़कंप मच गया। इन गाड़ियों में एक जज की गाड़ी भी बताई जा रही है। बिजनौर शहर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई जगह सड़क पर खड़ी दर्जनों गाड़ियों के रात को अराजक तत्वों ने शीशे तोड़ दिए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस भी जांच में जुट गई है। वहीं रामपुर में हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। आपको बता दें कि हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि युवक ने दोस्तों के ही युवक के साथ हत्या की, जिस पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के मुताबिक मृतक नदीम नशे का आदी था और उसके साथी विक्की, फहीम और रिजवान भी नशा किया करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोस्तों के बीच विवाद हो गया और दोस्तों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। थानागंज में अभी बीते 19 अक्टूबर को एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर गई। प्रथम दृष्टया शव देखने से लग रहा था कि इसके साथ असाल्ट हुआ है, जिससे इसकी मौत हुई। पुलिस ने बनाम अज्ञात अभियोग दर्ज किया। उसी दिन शाम तक इस व्यक्ति की शिनाख्त थानागंज क्षेत्र के ही नदीम पुत्र बब्बू खां के रूप में हो गई। विवेचना के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि 4 लोग
और ये मृतक, इन पांचों को किसी ने 18 तारीख की शाम को एक साथ देखा था। फिर ये लोग रात में, इनमें से दो लोग एक तीसरे व्यक्ति को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे थे, ऐसी स्थिति में जिससे लोगों को संदेह हुआ कि ये व्यक्ति कैसा है, मृत है या बीमार है। उसी आधार पर पुलिस लास्ट सीन के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा रही थी, जिसके आधार पर चार नाम प्रकाश में आए। उनमें से तीन लोग आज एक अभियुक्त के घर में साथ साथ बैठे थे, जहां से इनकी गिरफ्तारी हो गई है। देवरिया जनपद में अपर पुलिस महानिदेशक ने एक प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि देवरिया के अंदर अपर पुलिस महानिदेशक ने प्रताप कुमार ने ये प्रेस वार्ता की। जिले में अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस द्वारा एक लिस्ट की जा रही है, जिसमें नए अपराधियों को शामिल कर कार्यवाही की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पास्को एक्ट के तहत 10 केसों में आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही के दौरान अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम में गंगा परिक्रमा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस समागम में दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने हाथी घोड़े ऊंट एवं गाजे बाजे के साथ सम्मिलित होते हुए क्षेत्र की परिक्रमा की। श्रद्धालुओं ने सर्वमंगला आश्रम से निकलकर पूरे कल्पवास मेले परिक्रमा करते हुए वापस सर्वमंगला आश्रम पहुंचे। इस दौरान पूरे सुमरिया धाम हरे रामा हरे कृष्णा के उद्घोष में गूंजा नजर आया। प्रशासन के द्वारा भी इस परिक्रमा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तथा साफ सफाई की व्यवस्था की गई। वहीं एक बार फिर बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आए। आपको बता दें, एक बार फिर से बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी संचालक को गोली मारकर 5,05,000 लूट लिए। घटना बखरी थाना क्षेत्र के सलोना स्टेशन के निकट की है। बताया जा रहा है कि पीएनबी चकम्बी में सीएसपी संचालक अमित कुमार 5,05,000 रुपये की निकासी कर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार चार अपराधियों ने संचालक को गोली मार दी और उसके पैसों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए छापेमारी शुरू कर दी है। से पैसा लेके 5,05,000 रुपया चखम्बीर छोटा ब्रांच में पहुंचाने के लिए जा रहा था। सलोना ढाला के पास दो अज्ञात अपराधी नीचे थे, दो ऊपर में थे, जिससे झपट पपट होने के बाद उनके सीना में गोली मारने की कोशिश किया, लेकिन उनके पैर में गोली लग गया और पैसा लेके चंपत हो गया। पैसा लेके चखमी जा रहे थे, ढाला पे का एक रोका उसको पैसा छीन रहा था। हाँ भाई, वो पैसा हम नहीं दे रहे थे, मार दिया पर गोली मार जैसे हम पैर पकड़ रहे थे, अपना पैर पकड़ गिरे बस, हाथ से पैसा उठाया यानी बैग छीना। अपने चक्री थाना क्षेत्र में एक सीएसपी संचालक को पैर में गोली लगी है और अपराधियों के द्वारा उसके पास जो बैग था उसको लूटे जाने की बात प्रकाश में आई है। जो सीएसपी संचालक है वो खतरे से बाहर है, उनसे पूछताछ की गई है। कुल अमाउंट 5,00,000 के करीब वो बता रहे हैं कि बैग में था, और कुछ अपराधियों की पहचान उनसे करवाई गई है जिसकी शिनाख्त उनके द्वारा कर ली गई है। केस का उद्भेदन ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें रिकवरी और अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अब बढ़ते हैं पंजाब की खबरों की ओर। मौगा जिले में शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि मौगा जिले के अंदर माहला गांव में सूबेदार जोगिंदर सिंह को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में परमवीर चक्र विजेता शहीद जोगेंद्र सिंह को याद करते हुए सेना के आला अधिकारी और जिला प्रशासन की ओर से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस समागम में शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया गया। आज सूबेदार जोगेंद्र सिंह जो कि हमारे गांव में माला तना गांव को के रहायशी थे और परमवीर चक्र वाड़ी थे, उनका शहीदी दिवस है 23 अक्टूबर 1962। जो इंडो चाइना वॉर हुई थी तो नेफा सेक्टर में दुमला पास में उन्होंने दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो अब मोगा में हम हर साल उनका ये शहीदी दिवस मनाते हैं और एक बड़ा अच्छी प्रैक्टिस है। और इतने बड़े गैलेंट्री अवार्डी को याद करना, हमारे शहीदों को याद करना, ये हमारा पर
फाजली का अबूहर रोड में एक कॉटन की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि पूरा मामला फाजलिका का है, जहां पर अबूहर रोड स्थित बिदानी एंटरप्राइजेज में कॉटन की फैक्ट्री में अचानक आग लगी। फैक्ट्री में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि फैक्ट्री में काम चल रहा था, तभी अचानक मशीन में आग लग गई। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 40 से 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ है, मगर मशीनरी वगैरह चेक करने के बाद असली नुकसान का पता चल पाएगा। फैक्ट्री चल रही थी, थोड़ा तार वगैरह लीकेज हुई, कुछ शॉर्ट सर्किट करके ना जी फायर हो गई, फायर ब्रिगेड आ गई मौके पे बुला के कंट्रोल पा लिया। नुकसान है साडा मशीनरी का जी, एक सारा खोल के पता लगेगा, माल का नुकसान है ही है, अंदाजा 50,000 रुपये का नुकसान। आशा जी इतने किदाने एंटरप्राइज फायर ब्रिगेड पौना करीब 4 बजे, कहते भी अग लग गई किदाने एंटरप्राइज कोटन फैक्ट्री जल्दी फायर ब्रिगेड भेज रहे। असी करीब भी 4 बजे मतलब 1-2 मिनट से पहुँच गए हैं, आके अग से काबू पाया। काबू जी मुलाजिम लगे हुए थे, मतलब अग के कंट्रोल पा रहे थे। वहीं मोगा पुलिस में सरगर्मी दिखाते हुए पटाखा भंडारण पे भी छापेमारी की। आपको बता दें कि पूरा मामला मोगा पुलिस का है, जहां पे पुलिस की सरगर्मी दिखी है। और दीपावली के कुछ दिन पहले ही पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में जांच करते हुए बिना लाइसेंस के स्टोर किए गए पटाखे बरामद कर मुकदमा दर्ज किया है। डीसी की हिदायतों के चलते मोगा पुलिस ने घनी आबादी वाले एरिया में गुप्त सूचना के आधार पर एक दुकान पर रेड की, जहाँ दुकान के मालिक को बिना लाइसेंस के पटाखे रखने के अपराध में गिरफ्तार कर धारा 188 के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है। हरिओम पुत्र गुरविंदर सिंह, गली नंबर 10 न्यू टाउन, ये उतों का रहने वाला, यदी दुकान रेलवे रोड से। सानू पता लग्या कि कोई इन्हों दे स्टॉक रखा होया पटाकों का, बंबा का, फिर असी ये रेड किया। सानू 7 इन्हों के जोड़े बोरे आंबा के जोड़े बरामद हुए, असं ये खिलाफ जी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन्हों को कोई लसेंस वगैरह है जी पटाखे नाते? ये कोई लसेंस नहीं है, ये आबादी के जड़ा पटाखे बंब जोड़े से रखी बैठा से, ये किसी वेले भी कोई हादसा जोड़ा हो सकता है, तो जानी माली जी जान जा सकती। वहीं मोगा क्षेत्र में हुए 3-4 हादसों के बाद अब डिप्टी कमिश्नर भी हरकत में आ गए हैं। आपको बता दें कि मोगा क्षेत्र में लुधियाना हाईवे पर हुए 3-4 हादसों पर गौर करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कार्यवाही शुरू की। डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने मामले पर तुरंत कार्यवाही शुरू करते हुए जीटी रोड पर निर्माण करने वाले एसएल कंपनी का मामला दर्ज किया है। दरअसल यहाँ कंपनी द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने के चलते आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं, साथ ही कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है। हाईवे का काम स्पेशली फोकल पॉइंट के सामने, जहाँ पे मेन कैरेजवे और सर्विस रोड के जो लेवल का फ़र्क है, ये बहुत ही गलत, टेक्निकली बड़ा गलत है। ये जो एसएल कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनके पास हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इन्होंने बड़े गलत तरीके से वो कराया है। तो कल फिर हमने फाइनली इनके ऊपर केस रजिस्टर करा। केस रजिस्टर हो गया? केस रजिस्टर हो चुका है, और इनको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं कि इसको इमीडिएटली इसका जो इसको टेक्निकली इसको करेक्शन करनी है, इसको करेक्ट करें। चाहिए आगे कुछ काम करना, यहाँ बना ढाल बना चाहिए आ, ये पुछो तो लाके देखो की बनिया वा, ये अक्सर कट आते तोड़ पे रोड, मेन रोड मोड़ मुड़ता वा, थले थले रोड सर्विस रोड जो सही होना चाहिए है। जी हम पूरा झोने वाला सीजन चल रहा, कल 10 चक्की गड्डी पलटी जी, रात ये आलू वाली गड्डी पलटी आ, हूँ फिर रात 11 बजे झोने वाली गड्डी पलटी आ, थोड़े सामने खड़ी है इतने, ठीक है जी, 1.5 फुट का फर्क आ सड़क का, उतों लैके वो सिरे तक चंगी तरह तसली ना इनू वेख लो, जिन्या गड्डिया लंघदिया देखो की हाल हो जाता, इनू मतलब कि सैट किया जाए, इन प्रशासन वाले का मगर पै जाए, पुल कि बना कि ठेका वो मगर पाओ की गलबात आकीलों ने बथेरे ये केस लाए हुए हैं, तो कोई सुनवाई नहीं। और फिलहाल नवतेज टीवी में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी।